वेलकम टू अवर वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट इंस्टेंट ब्रेकअप इंस्टेंट हुकअप इंस्टेंट सक्सेस। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो। अगली बात जो करने वाली हो ना वो है स्पेशली आज के यूथ के लिए बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से सुने। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। सो 2023 खत्म होने को है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी बातें जो बना देंगी आपके 2024 को खास। तो जो मैं बताने वाली हूँ उनमें से अगर कुछ बातें भी आपने अपना ली ना तो सफलता और खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी और आप जिंदगी में कभी ना खाएंगे मात। तो पहली बात, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल के राजा शेर से पूरी प्रजा बहुत दुखी थी क्योंकि वो जब चाहता किसी भी भेड़ बकरी को अपना शिकार बना लेता था। तो जब चुनाव हुए तो पूरी प्रजा ने एक साथ मिलकर उस शेर के खिलाफ एक बंदर को राजा बना दिया। अब हार से बौखलाए हुए शेर ने और ज्यादा गुंडागर्दी शुरू कर दी। तो प्रजा बेचारी जो थी वो दुखी होकर नए राजा बंदर के पास गई, उसे सारा किस्सा सुनाया। बंदर ने बड़े ध्यान से सुना, फिर कुछ सोचता रहा और उसके बाद एक पेड़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर छलांग लगाना शुरू कर दिया। प्रजा बोली कि महाराज हमारी तो जान पर पड़ी है और आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहे हैं। अब बंदर बड़ी मासूमियत से बोला कि भाई मैं तो वही कर रहा हूँ जो मेरे बस में है। अब आप इसे एक जोक की तरह ले सकते हैं लेकिन इस बात में एक बहुत बड़ा सार छुपा है। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई हमारे करने से तो कुछ होगा नहीं, तो कोशिश करने से भी क्या फायदा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये नजरिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम अपने परिवार, दोस्तों, समाज, अपने देश और ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए जो हमारे बस में है वो करें तो हो सकता है कि हमें सक्सेस ना मिले, बट ये एक तसल्ली तो होगी ना कि हमने कुछ किया। क्या कहते हैं। दूसरी बात, बहुत टाइम पहले मॉरल साइंस में एक स्टोरी पढ़ी थी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे शरीर के तमाम अंगों की ताकत जो है वो कम होने लगती है। जैसे हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है, दांत टूटने लगते हैं, सुनाई कम देने लगता है, लेकिन हमारी जीभ उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसी की वैसी रहती है। तो ये बात हमें सिखाती है कि जो चीज़ जितनी नरम होती है ना उतनी देर तक चलती है। तो लाइफ में अगर लंबा चलना है ना बॉस तो जीभ की तरह सॉफ्ट होना सीखना पड़ेगा। आज के टाइम में हम सभी को इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम्बल और पोलाइट होकर भी अपनी बात स्ट्रांगली कही जा सकती है। बिना किसी को चोट पहुंचाए हम अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं और इस तरह से जिंदगी में एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अपने आसपास देखें। आपके मोबाइल में कितनी ऐसी ऐप्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है? आपकी अलमारी में कितने ऐसे कपड़े हैं जिन्हें आपने सालों से नहीं पहना? आपके घर में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने ज़मानों से यूज़ नहीं किया? और अब अपने अंदर झांके, आपके मन में कितने ऐसे थॉट्स हैं जिनकी एक्चुअली आपको ज़रूरत नहीं है? तो जिस तरह से आपके आसपास का कियोस्क जो है वो आपके काम करने की स्पीड को कम कर देता है ना, उसी तरह से ऊटपटांग सोचना आपकी मेंटल पीस, आपके पीसफुल रहने की कैपेबिलिटी को स्लो डाउन कर देता है। तो इस नए साल में अपने आसपास की अव्यवस्था को सुधारने का संकल्प लें। जो चीजें आपकी जरूरत की नहीं है उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करें। इस नए साल में एक्स्ट्रा ऐप से छुटकारा पाएं। जो ड्रेसेस आपके काम की नहीं है किसी जरूरतमंद को दे दें। घर में जो भी तमाम चीजें हैं जिसका कोई यूज नहीं है उन्हें त्याग कर दें। और आपके पास्ट के जो थॉट्स जो आपके फ्यूचर में कोई पर्पस सॉल्व नहीं करते उन्हें आज़ाद कर दें और फिर देखें आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना आपको जिंदा कर देगी। अब अगली बात, जिस तरह से इंद्रधनुष रेनबो बनाने के लिए बारिश के साथ में धूप की भी ज़रूरत होती है ना, उसी तरह से एक कंप्लीट इंसान बनने के लिए खट्टे मीठे कड़वे हर तरह के एक्सपीरियंसेस से रूबरू होना पड़ता है। लाइफ में अच्छाई बुराई सुख दुख सक्सेस फेलियर सब कुछ है, सब कुछ। कोई पत्थर चोट खा के कंकड़ कंकड़ हो गया, कोई पत्थर चोट सह के शंकर शंकर हो गया, समझे कुछ। जैसे कि छोटी छोटी लपटे ज्यादा गर्मी नहीं दे सकती ना, उसी तरह से कमजोर इच्छा शक्ति वाले बड़े और अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकते। जो इंसान अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी आगे बढ़ने की चाह रखता है ना, जिंदगी उसके सामने सर झुकाती है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोचते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने अभी तक सोचा नहीं। मेरी बातें समझ आ रही है ना? तो चलिए
अगली बात जो करने वाली हो ना, वो है स्पेशली आज के यूथ के लिए बहुत जरूरी है। जरा ध्यान से सुने, आज के यूथ को ना केपेबल बनने के लिए अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर भी यूथ जो है वो नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ना आज के यूथ को खुद को एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि जब वो बाजार में उतरे तो इंडस्ट्री उन्हें हाथों हाथ ले, तो अपने इंटरेस्ट को जाने और उस फील्ड में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करे। और एक और बहुत जरूरी बात, दूसरों की सक्सेस से इंप्रेस होकर वही काम ना करने लग जाए, उन्हें कॉपी ना करने लग जाए जो दूसरा इंसान कर रहा है। मान लीजिए कि आपका दोस्त जो है कोई वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, बहुत अच्छी वीडियोस बना रहा है, आपको लगे कि अरे इसमें तो बहुत पैसा है, मैं भी ये काम शुरू कर देता हूँ। जरूरी नहीं है कि वो जिस काम में इतना ज्यादा परफेक्ट है आप भी उतने परफेक्ट हो, आपको भी उतनी सक्सेस मिले, और उस चक्कर में आप अपना खुद का इंटरेस्ट भूल जाए और बाद में रिग्रेट करें कि अरे मैंने तो दूसरों की देखा देखी अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। अब अगली बात, पेशेंस। मान लो मेरी इस बात को दोस्त कि लाइफ में हर तरह की बातें सामने आएंगी, तो घबराओ नहीं, पेशेंस रखो। स्पेशली आजकल का यूथ, उसे तो हर चीज इंस्टेंट चाहिए, बस मिल जाए अभी। वेलकम टू अवर वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट, इंस्टेंट ब्रेकअप, इंस्टेंट हुकअप, इंस्टेंट सक्सेस, घर गाड़ी से लेकर फूड फैशन, इट्स ऑल अबाउट दैट इंस्टेंट स्वाइप। इसीलिए मन में शांति नहीं है। मेंटली और फिजिकली आप देख लो, आजकल का यूथ जो है पुराने टाइम के लोगों से बहुत कमजोर है। और पीस और पेशेंस दो ऐसी मेडिसिंस हैं जिनके सामने पहाड़ जैसी प्रॉब्लम्स भी अपना सर झुका दे। तो इन टू पीस, पेशेंस और पीस को, तीसरी पी आई मीन पूनम के कहने पर, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें और फिर देखें आपकी लाइफ कैसे खुशी और एनर्जी से भर जाएगी। नेक्स्ट थिंग, हर दिन को नया समझें। जिस तरह से नए साल के पहले दिन को हम नया समझकर मनाते हैं ना, उसी तरह से हर दिन को सेलिब्रेट करें, क्योंकि हर दिन हमारे लिए तो एक नया दिन है। तो हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा सीखने की, नया सीखने की कोशिश करें, राइट? अब आखिरी बात, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर का नाम लेकर किसी भी काम की शुरुआत करें। पता है जब मैं एक वीडियो या शॉर्ट या कोई रील भी बनाती हूँ ना, तो पहले गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ। तो आप भी लाइफ में जो भी काम शुरू करें, पहले ईश्वर का नाम जरूर लें, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं ना, उसमें पांचों तत्वों, प्रकृति और परमात्मा की शक्ति का एक पूरा मिक्सचर होता है। अब कई बार बहुत से काम हमें इम्पॉसिबल लगते हैं, हमें फेलियर भी मिलती है, लेकिन अगर हम पूरी मेहनत के साथ काम करने से पहले ईश्वर का नाम लें, तो उसका सहयोग हमें मिलता है, ऊपर वाले का हाथ हमारे सर पर बना रहता है और हर काम आसान हो जाता है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा ना हो, तुम आवाज तो दो, पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, बस तुम एक नई शुरुआत तो दो। बस इस नए साल में इन बातों को अपने जीवन में उतारें और एक जबरदस्त, बहुत ही प्यारा नया साल बनाएं। अब मिलेंगे 2024 में एक प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।